शुरुआत करेंगे गोंडा से। खबर है जहां पर क्वारंटीन सेंटर की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सेंटर में सांप के काटने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की जिला अस्पताल में मौत हुई है। तो क्वारंटीन सेंटर में बच्चे को सांप ने काटा था, बच्चे ने भी सांप को पकड़ करके मार डाला। तो बच्चे को रात में नहीं मिली थी एम्बुलेंस, बाइक से बच्चे को लाए थे जिला अस्पताल। तो आपको बता दें कि इमलिया गांव के प्रधान की लापरवाही सामने आई है। वजीरगंज के इमलिया जूनियर स्कूल का ये पूरा मामला है जहां पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि क्वारंटीन सेंटर की एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर यहां पर देखने को मिली। राजेश हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, कहीं ना कहीं यहां पर क्वारंटीन सेंटर की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। क्या आपने इस पूरे मामले पर आला अधिकारियों से बात की, क्या कुछ कहना है उनका? मनीष, आपको बता दें कि वजीरगंज में एक मिलिया गांव पड़ता है, उस गांव को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया हुआ है, लेकिन प्रशासन ने उस गांव को ना तो जूनियर स्कूल है उसकी ना तो साफ सफाई करवाई, ना ही वहां किसी तरह का इंतजाम कराए, और हरियाणा से जो 38 मजदूर कल आए हुए थे उनको उसी गांव में उसी स्कूल में रोक दिया गया। रात में 15 साल का एक बच्चा था जिसको सांप ने काटा, सांप काटने के बाद उसने सांप को पकड़ लिया और सांप को पकड़ करके मार दिया ताकि ये अन्य लोगों को ना काट ले। इसके बाद जब वहां से 100 नंबर को फोन किया गया तो 100 नंबर भी नहीं मिली, ना ही कोई डॉक्टर मौके पर पहुंचा, जिसके बाद लोगों ने जैसे तैसे मोटरसाइकिल की व्यवस्था की और मोटरसाइकिल की व्यवस्था करने के बाद उसको जिला अस्पताल लेकर के आए और जिला अस्पताल में जैसे लाए तो उसकी मौत हो गई। जी राजेश, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखी गई है। जब यहां पर एम्बुलेंस को कॉल किया गया तो सवाल ही खड़ा होता है कि एम्बुलेंस मौके पर क्यों नहीं पहुंची। आपको बता दें मनीष कि गोंडा में जिला प्रशासन की जो भूमिका है वो बेहद ही चौंकाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक किसी भी स्कूल की लोगों को ला करके क्वारंटाइन सेंटर में रख तो दिया जा रहा है, लेकिन वहां पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आज ही सुबह कई जगहों से शिकायत आई थी कि कई जगहों पे क्वारंटाइन सेंटरों की लाइट कटी हुई है, वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है, लोगों के खाने पीने का मुकम्मल इंतजाम नहीं है। इस तरह की तमाम लापरवाहियां। दूसरी चीज, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब